हे गाइस, वेलकम टू सर्वियस कॉर्नर। मेरा नाम है देव। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इस लव लैब के स्ट्रॉलर का। तो देखिए गाइस, अगर मैं लव लैब ब्रांड की बात करूं तो इसके अंदर काफी सारे स्ट्रॉलर आते हैं, बहुत सारे आपके पास में ऑप्शंस रहते हैं। इसके अंदर लव लैब आता है, ये है सनशाइन, और एक आता है आपका गैलेक्सी। तो गाइस, जो गैलेक्सी की जो साइज है वो इससे थोड़ी सी बड़ी रहती है, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप मान लीजिए एयरपोर्ट पे जाते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, तो अगर आप इन फ्लाइट्स के लिए ले रहे हैं तो इस टाइप का जो कॉम्पैक्ट साइज का जो स्ट्रॉलर आता है वो आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इसको आसानी से आप फोल्ड करके अपने कैबिन जो लगेज होता है फ्लाइट्स के अंदर, तो उसके अंदर भी आप आराम से आपका ये फिट हो जाता है। तो गाइस, इसके बात करते हैं कि ये जब मैंने ऑर्डर किया था तो ये कैसे मुझे मिला था। तो यहाँ पे देखिए, आपको सिंपली इसके साथ में DIY मॉड्यूल मिलता है, उसके अंदर साफ बताया होता है कि आपको टायर वगैरह कैसे फिट करने हैं, और बिल्कुल बिल्कुल एकदम सिंपल प्रोसेस है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे आपको टायर लगाने पड़ते हैं, ये जो कैनोपी होती है वो केवल इंस्टॉल करनी पड़ती है, मतलब काफी सिंपल प्रोसेस है। तो गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फीचर की। तो देखिए, पहले तो ये चीज, इसके जो टायर है वो काफी हैवी ड्यूटी है, तो आप कहीं पे भी मतलब सड़क पे या मान लीजिए गड्ढे वगैरह भी है तो उसके ऊपर भी आसानी से ये चल सकता है। सेकेंड थिंग गाइस, अगर आप पीछे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका एक पूरा एक हैंडल दिया हुआ है और साथ में एनओपी है। प्लस गाइस, ये ड्यूल मॉडल होता है, तो जैसे मान लीजिए अगर मेरे को एक तो जैसे मैं इसको इस तरह से लेके चलो, या सेकंड थिंग है इसके अंदर यहाँ पे सिंपली इसको आप पुश कर सकते हैं और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आप आगे लेके जा सकते हैं। तो गाइस, मान लीजिए अगर आप घर के अंदर इसको ऑपरेट कर रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, तो आप अपने बेबी से बात करते हुए भी इस स्ट्रॉलर को आसानी से चला सकते हैं। प्लस गाइस, इसमें एनओपी दी हुई है, तो इसको आप जैसे आगे करेंगे तो ये आपके बच्चे को धूप वगैरह से भी बचाता है। प्लस इसके अंदर मच्छरदानी भी होती है पीछे की साइड में, तो मच्छरदानी को भी आप पूरा फोल्ड करके यहाँ पे आसानी से यहाँ पे पैकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, बात करते हैं अब सेफ्टी फीचर की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें इस टाइप के जो है हैंडलॉक्स लगे होते हैं, तो आपका बच्चा जब बैठता है तो आसानी से आप इसको मतलब पूरा स्टिच कर सकते हैं, मतलब सेफ्टी की पूरी की पूरी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का यहाँ पे सेफ्टी बेल्ट मिलता है आपको, जिससे आपका बच्चा पूरा सिक्योर रहता है। प्लस गाइस, अब मैं इसके बात करता हूँ इसके मोड्स की। तो ये आपका सिटिंग मोड है, अगर आप चाहते हैं इसको स्लीपिंग मोड के ऊपर, तो आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे एक जो है इस तरह का एक हैंडल दिया हुआ है, इस हैंडल को जब आप पुश करेंगे, ये मैंने पुश किया तो ये देखिए पूरा नीचे जाता है। तो गाइस, इससे आपका जो पूरे का पूरा जो पहले जो सिटिंग मोड था वो पूरा यहाँ पे स्लीपिंग मोड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके अंदर अगर मान लीजिए आपका बेबी अभी छोटा भी है तो आसानी से इसको आप सुला भी सकते हैं। बस गाइस, इसमें अच्छी बात ये है, यहाँ पे आपका फुट रेस्ट भी दिया गया है, तो आप मान लीजिए यहाँ पे अगर आपके बच्चे के पैर वगैरह रहते हैं तो इसको इजिली आप जो है किसी भी मोड के ऊपर यहाँ पे आसानी से टिका सकते हैं। तो ये भी आपको एक फुट रेस्ट की भी यहाँ पे आपको सुविधा मिलती है। उसके बाद में गाइस, जो नेक्स्ट फीचर है वो है इसका व्हील लॉक का। तो व्हील लॉक जो है गाइस यहाँ पे सब जगह दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इस टाइप के यहाँ पे रैड टाइप के दिया हुआ है। तो आगे के जो व्हील होते हैं ये 360 डिग्री यहाँ पे रोटेट होते हैं, आप चाहते हैं कि एक तरफ चले तो आप इसका देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इसको मैं डाउन करूंगा तो ये जो है पूरा लॉक हो जाता है, उसके अंदर कहीं भी घूमता नहीं, वो सीधा यहाँ पे फ्लैट जाए। प्लस गाइस, इसके जो पीछे वाले व्हील लॉक से इसके अंदर जो सिस्टम है लॉकिंग सिस्टम, इससे गाइस आपका जो है स्ट्रॉलर खड़ा का खड़ा रहेगा, ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। प्लस गाइस, यहाँ पे इसके नीचे जो है आपको बास्केट भी दी होती, तो वो बास्केट अभी राइट नाउ मैंने हटा रखी है, तो उस बास्केट के अंदर भी आप अगर बच्चों के कुछ सामान वगैरह रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं इसको बंद कैसे करना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको इसको सिटिंग मोड पोस्चर के अंदर आना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे एक ना लॉक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन के सामने, आप यहाँ पे इस टाइप पे एक लॉक दिया हुआ है, तो इस लॉक को आपको अनलॉक करना पड़ेगा। अब आप इसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पैडल दिया हुआ है, इस पैडल को आपको पुश करना है और ये पूरा का पूरा आपका बंद हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा ये फोल्ड हो चुका है, तो इजीली आप इसको कहीं पे भी यहाँ पे आसानी से के साथ में कैरी कर सकते हैं। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। प्लस इसकी मैं Amazon की बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आपको Amazon बिजनेस की तरफ से स्पेशल प्राइस मिल जाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।